I would like to invite you for the felicitation, Mrs. Nandini Gupta. She's a Mrs. Bharat Icon 2019 and also face of Main Hoon Bollywood. Ma'am, please come on the stage. इंडिया एलो 2019. मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे हर एक इवेंट में एक बहुत अच्छा सपोर्ट और एक बहुत ही अच्छी लेडी से मिलना मिलता है. हमेशा हम लोग कहीं ना जाके एक कहते हैं ना, नदियों का किनारा समंदर में जाके मिलता है. तो मुझे ये सब मिलते हैं और मुझे इतने प्यार से इन्वाइट करते हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने. जो इन्होंने इतना अच्छा अपना हस्बैंड का सपना पूरा किया, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के. बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इनके ऊपर, मैथिली के ऊपर, कि ये इतना अच्छा काम कर रही हैं और आज इनके इस इवेंट का मैं हिस्सा बन चुकी हूँ. शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैथिली जी. यू आर अ वेरी गॉर्जियस लेडी. लाइक व्हेन आई एंटर्ड, आई थिंक शी एमिट्स अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल एनर्जी एंड अ ब्यूटीफुल, सीरियसली यू डू, बिकॉज आई वॉज जस्ट टेलिंग दीप्ति ओवर देयर दैट she is so pretty. If you just admire her, I mean, it's from within. As a makeup artist, I keep looking at things like that. So there's a lot of beauty from within. Thank you so much for calling me here, and thank you so much. Tapeshwari Grewal, I'm an actor, and I am from a very small town in Orissa, and I came to Bombay because of Bollywood. Bollywood is such a big part of my life, and just like Maithili ji said that Bollywood ab kam hote ja raha hai, there's so much more coming into Bollywood, so it is very essential for us to maintain that essence of Bollywood, and what she's trying to do is commendable, and I wish her all the best. Ek hai ki inse meri mulaqat Facebook ke through hui thi और हम सिर्फ एक दूसरे का पोस्ट देखते रहते थे. एंड समो आई फेल्ट कि उनके हर एक पोस्ट से आई फेल्ट एक होता है, एक किसी को देखते हैं तो एक अपने आप से कनेक्शन बन जाता है. एंड समो वी गॉट कनेक्टेड विद ईच अदर. एंड आई जस्ट शेयर्ड दिस दरिया और अबाउट दिस मैं हूँ बॉलीवुड थीम उनके साथ में. एंड शी जस्ट सेड कि हम मिलते हैं. वो मिलना हमारा ऐसे मुहूर्त निकालना, हमको 2 महीने लगे मुहूर्त निकालने के लिए. मिलना है. फाइनली हम पवे में मिले. एंड आई डिस्कस दिस प्रोजेक्ट विथ हर. एंड इमीजिएटली शी सेड वॉज एक ही बोल, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके साथ में हूँ और हम साथ में चलेंगे ये थीम लेके, ये बॉलीवुड थीम लेके. गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद मैथिली. शी इज अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट एंड आई फील रियली ब्लेस्ड. एंड ऐसा है ना कि मैथिली का शो भी हमको अपना शो लगने है. माई टीम हैज बीन वर्किंग लाइक 24 आवर्स, कुछ ना कुछ मीडिया का कर लो, ये कर लो, इतना मतलब इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. एंड मैथिली से एक कनेक्शन हो गया है. लाइक आई डोंट नो, शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ सिस्टर, आई डोंट नो, बट इट्स अ फीलिंग लाइक शी इज अ माई सोल सिस्टर. एंड बस कीपिंग अ फिंगर क्रॉस्ड के will rock on 23rd December, inshallah. तो इनको देख के मैंने जब इन्होंने बोला बॉलीवुड, आई सेड वाओ, क्योंकि आपने जैसे कहा कि अभी धीरे धीरे बॉलीवुड के जो एक्चुअल डांसेस वगैरह गुम हो रहे हैं मार्केट से. तो कल ही सरोज खान से मुलाकात हुई थी मेरी, तो उनके भी इंटरव्यू में यही बात आई थी कि हम इसको रिवाइव करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए, वो जो आपने वो थॉट लाया है, आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट थॉट. आई नो मैथिली जी सिंस आई थिंक नाउ 5 इयर्स, सिंस पर्ल वाज जस्ट 2 इयर्स. शी इज बीन गोइंग टू हर फॉर डांसिंग एंड माय डॉटर इज आल्सो गोइंग टू परफॉर्म एज द लीड डांसर. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक डे इन एंड डे आउट ऑल वी जस्ट थिंक इज मैं हूं बॉलीवुड. एंड माई डांस कोरियोग्राफर मैथिली के साथ मेरा 1 ईयर का टाइप है. अच्छे से बॉन्डिंग बोल सकते हैं, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, लिटिल इमोशन. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. मैं हूं ना बॉलीवुड के लिए.
क्षमता क्या है? जो आज जो परफॉर्मेंस हुआ उसके बाद परफॉर्म किया उसके नाम पे कहना चाहेंगे। ये तो खुद सरोज खान जी की आई थिंक फर्स्ट मूवमेंट सुना है। आई थिंक शी गेव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बाकी भी जो इनके डांसर्स हैं उन्हें मैंने देखा है। आई थिंक आजकल के लोगों में जो टैलेंट है बहुत ज़्यादा दिख रहा है सामने। इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही मतलब एकदम अलग अनोखा कॉन्सेप्ट है इनका। जो ये मतलब मीन से ये नहीं सोचते हैं कि ये अमीर या गरीब का बच्चा है क्या है, सबके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आई हैं। काफ़ी अच्छी क्लासेस में वो वैसे भी काफ़ी फ्री कोर्स सिखाती भी हैं। और ये शो मेरे को लग रहा है बहुत ही हिट होने वाला है। और आज जो इनका इवेंट था, जो हमारा लॉन्च पार्टी है आज ओपनिंग डोर का, ये बॉलीवुड हूँ इसमें एकदम शानदार लॉन्च हुआ है। और इन्होंने बहुत खूबसूरत कहते ना कि इतने अच्छे हैं तो हमारे शिष्य का क्या होगा। इवन मेरी बच्ची भी वहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाली है और इन्होंने बॉलीवुड फेस ऑफ इंडिया मेरे फेस को चुना, तो आई एम सो लकी कि मैथिली जी ने मुझे चुना है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज इनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है कि सरोज खान की मतलब कहते ना राइट है उनके शिष्य है। और आज बच्चों को जो मैंने देखा है, जो इनके स्टूडियो के बच्चे थे वो बहुत अमेजिंग थे, अमेजिंग वो आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी प्लीज़ देखते रहिए 23rd, वो बताएंगे कि क्या होता है। बॉलीवुड बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, यस आई अग्री। और ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा और मुझे भी इस बात की खुशी है और प्राउड फीलिंग है कि मैथिली जी ने मुझे यहाँ एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है और मैं भी कुछ नया देख रही हूँ यहाँ पर। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट मैथिली फॉर सच अ न्यू कॉन्सेप्ट हियर। बहुत अच्छा जा रहा है और हमें बहुत खुशी है मैथिली जी के लिए। एंड वी आर ग्लैड कि हम लोग ने इनके साथ एसोशिएट किया है VR1 पे। VR1 हमारी न्यू कम्युनिटी है एंड इट्स लाइक अ फैमिली गैदरिंग, फैमिली गेट टुगेदर के लिए हमने एक न्यू एक कम्युनिटी क्रिएट की है, जो हमारी और मैथिली जी उस पर हमारी एंटरटेनमेंट पार्टनर हैं। और हमें बहुत खुशी है कि उनके इवेंट बहुत सक्सेसफुल हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। वेल मैथिली जी एक तो सच अ ब्यूटीफुल डांसर शी इज़, आज उनका डांस देख के बहुत अच्छा लगा। और जो वो कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रही हैं, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है आज के हमारे टाइम में, बिकॉज बॉलीवुड का जो एसेंस है वो थोड़ा थोड़ा कम होते चला जा रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप दैट एसेंस अलाइव एंड दिस इज़ वॉट शी इज़ डूइंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड आई कंग्रेचुलेट हर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी प्राउड कि मेरी डॉटर 9 ईयर्स की है, वो भी परफॉर्म कर रही है एंड मैथिली जी इज़ लाइक माई सिस्टर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फ्रॉम माई हार्ट फॉर हर दैट सच अ ब्यूटिफुल इवेंट टुडे एंड आई एम श्योर दैट 23rd इज गोइंग टू रॉक। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ अभी ईगरली वेट कर रही हूँ कि मेरा 23rd दिसंबर का जो शो मैं लॉन्च करने वाली हूँ मुंबई में फर्स्ट टाइम, और मेरा जो ड्रीम है कि मैं इंडिया एंड अब्रॉड लेके जाऊँ ये शो, मेरे लॉन्च के थ्रू ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ बच्चों के लिए। आई एम होपिंग दैट बिकम्स अ सक्सेसफुल शो। इट विल बी एक्चुअली मैं हूँ बॉलीवुड, ये एक ऐसा शो है जिसमें आपको ओल्ड सॉन्ग से लेके न्यू सॉन्ग तक, लाइक बॉलीवुड का जैसे इवोल्यूशन हुआ है, जैसे बॉलीवुड स्टाइल एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में कन्वर्ट हुआ है, वो पूरा आपको इस पूरे एक शो में देखने मिलेगा। ओके, ये 1.5 आवर का शो रहेगा, बट इसमें आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक के जितने भी बॉलीवुड के एक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सब आपको देखने मिलेगा। आपको पूरा बॉलीवुड का एक जर्नी है जो हम लोग एक शॉर्ट पीरियड में आपको दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। मैं हूँ बॉलीवुड, एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं हम बॉलीवुड में जो कहीं खो गया है। बॉलीवुड का डांस, बॉलीवुड का स्टाइल सब कहीं खो गया है, वो उसे वापस ला के लाना चाहते हैं। आजकल इंटरनेशनल स्टेप और इंटरनेशनल डांस फॉर्म रॉक कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू ब्रिंग बैक द बॉलीवुड जो कहीं छुप गया है। मैं भी मैथिली जी एंड हमारे जी कर रही हूँ कि वो कैसे कैसे बॉलीवुड के ट्रेंड को वापस लाना है, उनके जो हमारा ट्रेंड खोता जा रहा है, लुप्त हो गया है, उसको वापस लाना है उसके लिए।
को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी. ऑल द बेस्ट बस विद मैथिली एज वेल. बॉलीवुड के साथ जी फोर भी आगे बढ़े. मुझे बहुत प्राउड और ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मैं हम लोग जी फोर ग्रुप के साथ में कनेक्टेड हुई हूँ. एंड एक है कि हम टुगेदर वी कैन विन वी विन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग अहेड विद एज अ टीम. थैंक यू सो मच. Dancers can collaborate with us. You can search us as Main Hoon Bollywood on Facebook. Okay. मैं हूँ बॉलीवुड. मैथिली जी और उनके हस्बैंड का सपना था, आज पूरा हुआ है और मेरी शुभकामना इन दोनों के साथ है और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.